बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके बारे में है बेटा? मैंने ये पूरी लाइन लिखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर आपको याद हो तो डाइजेशन के डिफरेंट फेजेस थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। हमने इंजेशन तो बहुत पहले कर ली थी, ओरल कैविटी में फूड कब की डाल ली थी हमने। उसके बाद डाइजेशन शुरू की हुई थी, कौन सा पोर्शन शुरू किया हुआ था? डाइजेशन के बाद क्या होगी? एब्जॉर्प्शन फेज आएगा। तो तीन फेजेस आज हमारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। कितने फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे? थ्री। इसका मतलब आज डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी। जो हमने ओरल कैविटी में किस फूड की डाइजेशन शुरू की थी? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद हमने स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाई? नहीं, वहां कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन रोक दी थी। किसकी डाइजेशन करवाई थी? प्रोटीन की। क्या पूरी डाइजेशन करा दी थी? पार्शियल। कैसी थी? अच्छा, उसके बाद जब हम स्टमक से आज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या भेजा था हमने? काइम। क्या भेजा था? ओरल कैविटी से स्टमक में बोलस भेजा था, बोलस से स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम। काइम क्या था? एक सूप लाइक मिक्सचर था, उसके अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन थी, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट थे, मेल्टेड फॉर्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो थे वो पिघले हुए फॉर्म में थे, क्योंकि हमारे स्टमक की चर्निंग प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस हुई थी? हीट प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, अब हम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बयान करके फिर हम आगे इसकी कहानी देखते हैं। बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स हैं। मेन कितने पार्ट्स हैं? थ्री पार्ट्स हैं। कौन कौन से हमारे पास? बेटा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम एंड इलियम। बेटा, इसको ड्यू नहीं पढ़ना, ड्यूडेनम नहीं, ड्यूडेनम। ड्यू पढ़ेंगे तो डी ई डब्ल्यू पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो ड्यूडेनम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ड्यू नहीं पढ़ना, ड्यूडेनम, ठीक है? जुजिनम, इलियम, क्लियर? दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? थ्री। अब बेटा, सबसे पहले इनकी लेंथ देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ड्यूडेनम है वो तकरीबन 10 inches है, अबाउट 25 centimeters लॉन्ग। कितना है? 25 centimeters लॉन्ग। सिमिलरली जुजिनम की देखें तो ये हमारे पास 2.4 meters लॉन्ग, 2.4 meters। स्टिल वेट करो, अभी इलियम 3.5 meters लॉन्ग, 3.5 meters, 1 meter 100 centimeters। एक बड़े वाला स्केल जो होता है, जो लेबोरेटरी में देखते हो आप, वो 1 meter। उस 3.5 meters आपकी क्या है लंबी? स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी नहीं, पूरी करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी? ज़रा देखो, तकरीबन जो है वो 5-6 meters बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 6 meters तक, 6 meters लंबी है। लेकिन हमारी इंटेस्टाइन अल्लाह ताला ने फोल्ड की है, तो इसलिए उसकी जो स्पेस है वो क्या हो गई? थोड़ी स्पेस में अल्लाह ताला ने उसको फिट कर दिया, थोड़ी स्पेस में। अगर इंटेस्टाइन खोल के लंबी की जाए, एक अडल्ट ह्यूमन की इंटेस्टाइन की बात करें, तो वो कितनी होगी? तकरीबन ये सारी उसकी रेंज है, ठीक है? अब हम हर पार्ट का फंक्शन देखते हैं, ठीक है? वो कहता है आपके पास स्टमक था, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्फिंक्टर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? अच्छा बेटे, इसके साथ स्टमक के बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास लीवर होता है पड़ा हुआ। स्टमक के यहाँ पे क्या पड़ा हुआ होता है? लीवर, जिसको हम जिगर कहते हैं। और बिल्कुल इसके साथ, इसके बिहाइंड, इसके पीछे वाली साइड पे पैंक्रियाज होता है। क्या होता है? पैंक्रियाज, जिसको हम लबलबा कहते हैं। क्या कहते हैं? लबलबा, पैंक्रियाज। ये क्या है हमारे पास? लीवर, ठीक है? अच्छा बेटे, यहाँ पे लेट के ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई है, ठीक है? ये लीवर में डक्ट्स होती हैं, सिस्टिक डक्ट है, फिर आपके पास ये पैंक्रियाज से आ रही है डक्ट, इसने इसको ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे आपके पास नीचे गाल ब्लैडर है। क्या है? गाल ब्लैडर है, ठीक है? अच्छा, ये लो। हम कहते हैं कि अब सब चीज़ों का फंक्शन देखते हैं, फिर आगे यहाँ से बात चलाएंगे। हमारे पास है लीवर। क्या है? लीवर प्रोड्यूस करता है बेटा बाइल। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल।
लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, और दूसरी तरफ जो ग्लैंड है दैट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या खारिज करता है? पैंक्रियाटिक जूस। इंसुलिन भी बनाता है, लेकिन बेटे वो उसका एंडोक्राइन फंक्शन है, वो उसका एंडोक्राइन फंक्शन है। हम यहाँ पे उसका एक्सोक्राइन फंक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये आपको 10th क्लास में पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है। बेटा दो ग्लैंड अब एसोसिएटेड है, एक लीवर और दूसरा पैंक्रियाज। लीवर क्या बनाता है? बाइल। ये बाइल बना के, बाइल एक मटीरियल होता है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर अनपढ़ लोग जो वो जहर भी कहते हैं कि ये जहरीला होता है। अच्छा, ये जो बाइल है बेटा, इसकी कंपोजिशन भी देखेंगे। ये बाइल बनता कहाँ पर है बेटा? लीवर में। आके स्टोर किस में हो जाता है? गाल ब्लैडर में। किस में स्टोर हो जाता है? गाल ब्लैडर में। आपका बाइल किस में स्टोर हो जाता है? गाल ब्लैडर में, ठीक है। और पैंक्रियाज से क्या आ रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज से क्या आ रहा है? पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। आम तौर पे ये जो बाइल होता है इसमें क्या चीज़ें होती हैं? जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन 120 दिन बाद, 4 मंथ्स बाद हमारे रेड ब्लड सेल मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो उनको मारने के बाद डिग्रेडेशन करनी होती है, उनकी जो लाशें हैं उनको ठिकाने लगाना है, तो वो किसका काम है? लीवर का, ठीक है। उस दौरान जब उनकी डिग्रेडेशन करते हैं तो तब हमारे पास उनका वेस्ट बनता है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन। उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स बनते हैं जिनको बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये पिगमेंट्स बनते हैं जिनको बाइल में डाला जाता है, ठीक है। तो बेटा बाइल की कंपोजिशन अगर हम देखें तो बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल कंटेन नो एंजाइम। बाइल में एंजाइम नहीं होता। इसका मतलब ये डायरेक्ट डाइजेशन करवाने नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट डाइजेशन करवाने नहीं आ रहा। ये डाइजेशन में हेल्प कर सकता है डाइजेशन, क्योंकि पास इसके पास कोई एंजाइम नहीं। डाइजेशन तो किसकी वजह से होती है? एंजाइम्स की वजह से। फिर इसके पास है क्या? इसके पास बेटे बाइल पिगमेंट्स होते हैं और बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स होते हैं और बाइल साल्ट्स होते हैं। अब ये बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स कहाँ से आते हैं? मैंने बता दिया हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। ये आपकी बुक ने नहीं लिखी बातें, आपने सिर्फ ये देखना है कि बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। और बनता किस में है? स्टोर किस में होता है? गाल ब्लैडर में। स्टोर किस में होता है? गाल ब्लैडर में। देखो यहाँ तक ये इसकी नाली अलग है, इसकी नाली अलग, लेकिन आगे आके दोनों की नाली इकट्ठी हो गई, कॉमन हो गई, नहीं हो गई? हो गई। उसी डक्ट से इसको मैं इस नाली को नाम दे देता हूँ बेटे कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम दे देता हूँ? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन क्यों कह रहा हूँ? उसी में से बाइल आना है, उसी में से पैंक्रियाटिक जूस आना है, उसी में से बाइल आना है, उसी में से जूस। और बाइल डक्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें से मेन बाइल वाली साइड से आ रही है, तो इसलिए उसका नाम बाइल डक्ट। कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट नहीं कहा, कॉमन क्या कहा इसको? बाइल डक्ट, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या ला रहे हैं हम बेटे? एंजाइम ला रहे हैं। कौन कौन से एंजाइम ला रहे हैं? प्रोटीएज ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? किसकी डाइजेशन के लिए? प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। लाइपेज एंजाइम ला रहे हैं बेटा, किसकी डाइजेशन के लिए? अमाइलेज एंजाइम ला रहे हैं, किसकी डाइजेशन के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। ये अमाइलेज एक मुंह में भी आया था जिसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज, वो सलाइवा में आया था इसलिए सलाइवरी अमाइलेज। ये पैंक्रियाज में आया तो इसलिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या लफ्ज़ बोलते हैं? तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है। उस जूस में कितनी चीज़ें हैं? एंजाइम्स हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजर क्या है इसमें? प्रोटीएज। आप बड़ी क्लासों में प्रोटीएज, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, इनकी आप टाइप्स पढ़ोगे, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, तो ये डिफरेंट इसकी टाइप्स होंगी। ये आपकी बुक ने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है। लाइपेज एंजाइम किसके लिए? अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। अच्छा, एक सिक्रीशन और आती है। कितनी किस्म की सिक्रीशन हम डाल चुके हैं? दो। एक तीसरी सिक्रीशन जो आती है बेटा, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। अब एज द नेम इंडिकेट इंटेस्टाइनल, तो ये कहां से आता है? वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी दीवारों से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें, यहां से जूस निकलता है जैसे स्टमक की दीवारों से आता था, ठीक है। तो इसकी जो अंदर वाली एपिथीलियम है वो भी ग्लैंडुलर है, उसमें से भी
जूस आता है, तो इंटेस्टाइनल जूस आता है, क्या आता है? इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं व्हेन यू आर काइम, व्हेन यू आर इंटर, कहां से कहां? स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां दाखिल हुआ? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही दाखिल होगा तो आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है उसका नाम क्या है? ड्यूडेनम। इसका मतलब काइम किस में जाएगा? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में कितनी किस्म की सिक्रीशंस आके आपके काइम के साथ मिक्स होने जा रही हैं? तीन। एक आपके लीवर से कौन आएगा? पैंक्रियाज से कौन आएगा? इंटेस्टाइन से क्या आएगा? इंटेस्टाइनल जूस। क्या आएगा? इनकी कंपोजिशन देखें तो बाइल में एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम है प्रोटीएज लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम यही है प्रोटीएज लाइपेज एंड तकरीबन वही एंजाइम है जो किस में होते हैं? पैंक्रियाटिक जूस में। लेकिन इंटेस्टाइन से जो जूस आता है उसमें म्यूकस वगैरह भी होता है, उसमें आपके इंटेस्टाइन की दीवारों को बचाने के लिए, आपने पढ़ा था ना स्टमक में भी म्यूकस की लेयर बनी होती है ताकि स्टमक की दीवारों को डाइजेस्ट होने से बचा लिया जाए या ना होने दिया जाए, तो इसी तरह इंटेस्टाइन की दीवारों को भी बचाना पड़ता है इन प्रोटीएज एंजाइम से। ठीक है, तो वहाँ पर भी म्यूकस वगैरह, और जो काइम आ रहा है वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, एसिडिक क्योंकि उसमें HCl था, तो अब उसकी पीएच चेंज कर देनी है, एसिडिक से अल्कलाइन पीएच कर देनी है, मतलब बेसिस की तरफ हमने ले जाना है। ठीक है, तो अब जो एंजाइम काम करेंगे वो बेसिक पीएच में काम करेंगे, अल्कलाइन पीएच में काम करेंगे, किस में काम करेंगे? स्टमक की पीएच, एसिडिक। तो जो एंजाइम स्टमक में काम करता था अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके काम नहीं करेगा। ठीक है, अब सिर्फ किसके एंजाइम काम करेंगे? पैंक्रियाज के और इंटेस्टाइन के, पैंक्रियाज के और इंटेस्टाइन। अब क्या काम करेंगे? दूसरा ये लफ्ज क्या लिखा है यहाँ पे? कंप्लीट डाइजेशन। क्या है? वो कहता है कि अब यहाँ पे मिक्सिंग होनी है, मिक्सिंग तो पेरिस्टाल्सिस से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो आपका जूस वूस मिक्स होता रहेगा। वो कहता है कि यहाँ से अब डाइजेशन शुरू हो गई ऑल काइंड्स ऑफ फूड की, ऑल काइंड्स ऑफ फूड की। फिर बाइल का क्या काम है? इनकी तो समझ आती है, पैंक्रियाज एंजाइम ला रहा है डाइजेशन में हेल्प करेगा, इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम्स ला रहा है डाइजेशन में हेल्प करेगा, बल्कि डाइजेशन करेगा, क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, हेल्प नहीं करना चाहिए, डाइजेशन करेगा खुद डायरेक्टली। लेकिन बाइल क्या करेगा? बाइल कंटेन बाइल साल्ट्स, बाइल कंटेन बाइल साल्ट्स। आपने देखा अगर पानी में तेल डाल दो तो तेल की जो तय है वो ऊपर आ जाती है, अगर आप बेटे उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दो, थोड़ा सा सर्फ डाल दो, ये डिटर्जेंट जो होता है वो डालने के बाद आप उसको थोड़ा सा शेक कर दो, थोड़ा सा shake. तो फिर कभी भी आपके पास वो जो ऑयल की लेयर है वो पानी के ऊपर पूरी नहीं हो सकती, फिर ऑयल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ही रहता है, ऑयल छोटे छोटे, पहले पानी ऑयल की पूरी लेयर बन रही थी पानी के ऊपर, जब आपने सर्फ डाल दिया उसमें तो वो ऑयल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसका मतलब पहले ऑयल ड्रॉपलेट बड़ा था, अब ऑयल ड्रॉपलेट्स छोटे हो गए, ऑयल ड्रॉपलेट बड़ा था अब ऑयल ड्रॉपलेट, जब एक बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइम को काम करने के लिए जगह ज्यादा। किसको हमने एक बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट किया? लिपिड्स को। किसको? इसका मतलब किस एंजाइम के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं? लाइपेज एंजाइम के लिए। कौन आसानी पैदा कर रहा है? क्या करता है ये? इट इमल्सिफाइज, इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट या फार अपार्ट। छोटे छोटे हमारे पास जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, क्या हैं? लिपिड ड्रॉपलेट्स, उनको आपस में जम होने नहीं देता, आपस में फ्यूज होने नहीं देता, उनको क्या रखता है? सेपरेट। एक बड़े ड्रॉप को तोड़ के कन्वर्ट कर देता है योर लार्जर लिपिड ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर वंस। दिस फेनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, जिसके नतीजे में आपका लिपिड का ड्रॉप बड़ा छोटा रहता है तो उसके ऊपर एंजाइम को काम करने में सिर्फ यही काम है। किसका? बाइल का। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेटेड या फार अपार्ट, कि जो आपके पास लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं उनको एक दूसरे से क्या रखना है? अलहदा रखना है, जुड़ने एक बड़ा ड्रॉपलेट बनने नहीं देना, क्योंकि लिपिड आपके पास किस फॉर्म में आ रहे हैं? ऊपर से मेल्टेड फॉर्म में। किस फॉर्म में आ रहे हैं? क्योंकि स्टमक की हीट ने उनको क्या कर दिया था? मेल्ट। चले बेटे, दूसरी हमारे पास आ गई ड्यूजिनम। क्या आ गई? अब मजीद सिक्रीशन ऐड करने की जरूरत नहीं। जो क्वांटिटी, जो भी कंपोजिशन ड्यूडिनम से जारी थी किसमें आ गई? वो कहता है ड्यूजिनम में पहुंचते तक कोशिश तो की जाएगी कि डाइजेशन कहां पूरी कर दी जाए,
लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की डाइजेशन रह गई है तो जियोजिनम में भी डाइजेशन का फिनोमेना कंटिन्यू रहेगा, जियोजिनम में भी डाइजेशन का फिनोमेना रहेगा। बात समझ आई? लेकिन एट द एंड ऑफ द जियोजिनम, जैसे ही जियोजिनम के एंड पे पहुंचेंगे तो कौन आ जाएगी आगे? ईलियम। कौन आ जाएगी? ईलियम। कहता है कि जियोजिनम के अंदर कोशिश की जाएगी कि सारी की सारी जिस फूड की डाइजेशन करवानी है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीट। ईलियम में अब डाइजेशन नहीं होगी। बात समझ आई है? क्योंकि डाइजेशन पहले, और वो चीज़ जिसकी डाइजेशन नहीं होनी उसकी ईलियम में भी डाइजेशन, वो अनडाइजेस्टिड ही रहेगी। वो कौन हो सकता है हमारी फूड में जो अनडाइजेस्टिड है? डाइट्री फाइबर्स हैं। कौन है? डाइट्री फाइबर्स हैं, ठीक है। वो अनडाइजेस्टिड ही रहते हैं। वो क्या रहते हैं? अनडाइजेस्टिड। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें, अब वो कहता है ज़रा जियोजिनम पढ़ने की ज़रूरत है। अब वही काम जो किस में हुआ? तीनों किस्म की फूड, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, उनकी क्या होगी? डाइजेशन। और अब डाइजेशन कैसी होने जा रही है? आपकी प्रोटीन की डाइजेशन हो गई तो क्या बनेगा बदले में? प्रोटीन से क्या बनेगा? मैं सिर्फ उनके सिंबल लिख रहा हूँ, अमाइनो एसिड्स। क्या बनेंगे? आपके लिपिड्स की डाइजेशन हो गई तो क्या बनेंगे? सिर्फ फैटी एसिड। साथ में क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। आपके कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो गई तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या हैं? हमने कहा था क्या प्रोटीन हमारे स्टमक से ब्लड में अब्जॉर्ब हो सकती है? ये क्या थी? लार्ज। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्जॉर्ब। इसीलिए तो हमने क्या कराई थी? टू कन्वर्ट नॉन डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स इन टू डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स। अब अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो सकता है, अमाइनो एसिड को ब्लड में जज्ब किया जा सकता है, फैटी एसिड्स को किया जा सकता है, ग्लूकोज को इसके साथ बाकी मिनरल्स वगैरह जो भी चीज़ें उनको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? इसका मतलब अब इसी में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन तो हो गई पूरी। कहाँ पर आके? तो फिर बेटा ईलियम में क्या होने जा रहा है? ईलियम में एब्जॉर्प्शन होने जा रही है। ईलियम में क्या होने जा रहा है? एब्जॉर्प्शन। हम कहते हैं कि ईलियम में जो एब्जॉर्प्शन होनी है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं।